में रहते हुए ट्रेनिंग बटालियन के बटालियन कमांडर भी रह चुके हैं। इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कमेंडेशन से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने ग्रुप कमांडर का पदभार मार्च 2021 में संभाला। इन 3 दिवसीय दौरों पर इन्होंने द्वीपों के आर्मी एंड नेवल एनसीसी यूनिट्स का मुआयना किया और एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग की समीक्षा भी की। तो सर, हम आपका अभिनंदन एवं स्वागत स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद स्वागत है। धन्यवाद। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आ गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद नज़दीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो अब मैं दूसरी हस्ती से आपका परिचय कराना चाहूँगा। ये हैं इंडियन नेवी के कैप्टन विजय कुमार त्रिवेदी, कमांडिंग ऑफिसर 1 अंडमान निकोबार नेवल यूनिट एनसीसी। ये यहाँ 2013 से 2015 में हार्बर मास्टर रह चुके हैं। इससे पहले नेवल कंपोनेंट पोर्ट ब्लेयर में स्टाफ ऑफिसर सेफ्टी रह चुके हैं। इन्हें 3 कमांडर इन चीफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया और इनके कमांड में 2 यूनिट्स को कमेंडेशन भी मिला है। इन्होंने ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन ताशा, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय में भी भाग लिया। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक तनहा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, तनहा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तो मैं तीसरी हस्ती से आपका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारी तीसरी हस्ती है इंडियन आर्मी के कर्नल ए विवेकानंदा, कमांडिंग ऑफिसर नंबर 1 अंडमान निकोबार इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री कंपनी, जो आर्मी एनसीसी यूनिट है। इनका यह दूसरा एज कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी अपॉइंटमेंट है। इससे पहले ये एनसीसी यूनिट हुबली के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। ये हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिसर हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैंक टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंट पोस्ट पर काम किया आर्मी में, जैसे इंचार्ज ऑफ ओवरहॉल्स ऑफ टैंक T-72, BMPS, चीफ इंस्ट्रक्टर इन 1ME सेंटर सिकंदराबाद, और असाइंड अराउंड 20 ATC कैंप्स और खुद 6 NCC कैंप्स को कंडक्ट भी किया। तो मेरा अब सवालों का सिलसिला शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं ग्रुप कमांडर कर्नल जनरल सिंह सर से पूछूंगा। सर, आप हमारे दर्शकों को एनसीसी की हिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए सत्यम जी, जैसे आप जानते हैं 1946 में जिस समय हमारा स्वतंत्रता संग्राम अंतिम चरण में था, उस समय पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई जिसका काम था कि हमारे यूथ को एक अच्छा नागरिक बनाया जाए और ट्रेन करके उनको अच्छे नेता बनाया जाए। उनकी कमेटी ने पूरे देश के जितने भी प्रोविंस थे उस समय हमारे सबके यूथ ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ विदेशों में फ्रांस और यूके के यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की और 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16 अप्रैल 1948 में एनसीसी एक्ट हमारी पार्लियामेंट में पास हुआ और 15 जुलाई 1948 में हमारी पहली एनसीसी, स्वतंत्र भारत की पहली एनसीसी यूनिट की स्थापना हुई। आज एनसीसी DGNCC के द्वारा, DGNCC इनके हेड हैं जो कि एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के ऑफिसर होते हैं। उनके नीचे टोटल 17 एनसीसी डायरेक्टरेट हैं हर स्टेट के हिसाब से, और हर डायरेक्टरेट के नीचे लगभग 6 से 8 ग्रुप होते हैं जिसमें कि टोटल 98 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप के साथ 8 से 10 एनसीसी यूनिट्स होती हैं। तो आज हमारे देश में लगभग 825 एनसीसी यूनिट्स हैं। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन CAC जो कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्षता में काम करती है, जिसके अध्यक्ष हमारे रक्षा मंत्री हैं और तीनों सेनाओं के चीफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के चीफ इसके मेंबर हैं। इस समय
हमारी एनसीसी तीनों विंग के साथ चलती है, जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी के दस्ते हैं। और आज हमारी लगभग 14 लाख के लगभग एनसीसी कैडेट्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी यूथ, ट्रेंड यूथ की संख्या है। थैंक यू सर, बहुत ही रोचक जानकारी आपने ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताई। अब हम अगली जानकारी लेंगे कमांडिंग ऑफिसर नेवल यूनिट एनसीसी कैप्टन त्रिवेदी से। सर, भारत में एनसीसी के अलावा और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं क्या? जी हाँ, एनसीसी के अलावा और अराउंड 29 यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में, एंड जिसमें जैसा अभी ग्रुप कमांडर साहब ने बताया कि एनसीसी इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा हैं एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, देन है नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, देन है रेड क्रॉस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, हिंदुस्तान गाइड्स एंड स्काउट्स। तो ये सारे ये मुख्य हैं। एंड पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लेते हुए डायरेक्टिव्स दिए कि इन सब यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ एक अम्ब्रेला में लाया जाएगा, कॉमन अम्ब्रेला में, एंड कॉमन यूथ एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो उसमें एनसीसी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन डे के जो हमने जितने भी रिलेटेड प्रोग्राम्स किए थे वो सारे के सारे सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एक साथ किए, जिसका मोटो था एकता हमारी पहचान। एंड उसमें रैलीज की गई जानकारी के लिए जनता की, साथ में ऑनलाइन पोस्टर्स कॉम्पिटिशंस, डिस्प्लेज एंड सोशल मीडिया में पोस्ट करना, ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई। एंड ये जो मुहिम थी ये पूरी तरह सक्सेसफुल हुई। एंड इसी प्रकार यूथ ऑर्गेनाइजेशन साथ आकर के वेरियस एक्टिविटीज़ करती जाएंगी। और हमारी एनसीसी डे का भी मोटो था रक्तदान जीवनदान, विच वॉज अ नोबल कॉज। सो दैट वॉज द वे दैट यूथ ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोग्रेसिंग नाउ। बहुत खूब सर, ये आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि हमारी कितनी और संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन हैं भारत में एनसीसी के अलावा। अब मेरा अगला सवाल कमांडिंग ऑफिसर आर्मी एनसीसी यूनिट कर्नल विवेकानंद से है। सर, एनसीसी के एम्स और मोटो के बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें। एनसीसी का मेन मोटो होता है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ना ये देखना चाहिए हम उसको कैसे सिखाते हैं। एक्चुअली हम उसको शुरू करते हैं डेली परेड से, इनके जब जब डेली परेड्स होता है इनके, वहाँ से इनका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है रिगार्डिंग द यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट जब हम उनको दूसरा अलग अलग नेशनल लेवल कैंप के लिए तैयार करते हैं, स्पेशली हम RDC सिलेक्शन कैंप के लिए और नेक्स्ट हमने थल सेना कैंप के लिए, तो RDC सिलेक्शन कैंप मिले हम उनको लीडरशिप क्वालिटीज जैसे इम्प्रॉन्चू लेक्चर्स वगैरह करने के लिए, और मतलब फिर इनकी रिटर्न कैपेबिलिटी और इनकी स्पोकन और स्टेज फियर निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। थलसेना कैंप में उनको हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते शुरू कर देते हैं, जैसे उनकी मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और उनको जैसे मेन आपका आर्मी सब्जेक्ट होता है जैसे मैप रीडिंग वो वगैरह पढ़ाते हैं और ऑब्स्टिकल कोर्स कराते हैं। इसके दौरान सारे उनके साथ जो डिसिप्लिन वाइज इनको पूरा सिखाया जाता है। एक्चुअली मेन मोटो होता है इनको लीडरशिप क्वालिटी, कॉम्रेडशिप क्वालिटीज, ये सारे इनमें इनकल्ट करने का। एंड बेसिकली द मेन पर्पज ऑफ द NCC इज टू इनकल्ट ऑल दिस क्वालिटीज एंड मोटिवेट देम टू ज्वाइन द आर्मी। बहुत खूब सर, मेरे ख्याल से कैरेक्टर बिल्डिंग भी एक वन ऑफ द कैरेक्टर्स है। तो सर ने जिस तरह से बताया कि हमारे एनसीसी कैडेट्स जो हैं जिनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन हमारा मोटो तो है, लेकिन जो एम्स हैं ये सारे एरियाज को कवर करती हैं और उसको एक डिसिप्लिन नागरिक बनाते हैं और देश सेवा का मौका मिलता है उनको। तो मेरा अगला सवाल ग्रुप कमांडर, उनको आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए जी स्पेशल एफर्ट्स किए जाते हैं। एफर्ट्स किए जाते हैं।
The sea is never the same. Constant change is in its nature, surprising even the most hardened mariner. The principal manifestation of India's maritime power, the Indian Navy is stood too to thwart any threats to national security, adapting and augmenting its combat preparedness as a formidable blue water force. Silently, forcefully, swiftly, geared up for the changing times, cognizant of an altered world, the Navy remains a credible, cohesive, and combat-worthy force, guarding the interests of the nation at home and abroad, always ready to answer the call. The Indian Navy. Silent, strong, and swift. We fight. We own the blue sky, the earth below, the yonder above. We guard our nation day and night. Our presence is felt, but we are seldom seen. We strike with precision and power. We defend with valor, swift and smart, undeterred and unfazed. Generations of courage and sacrifice define our flight. We achieve the impossible. Precision and finesse define our style. We are air warriors. Our people first, mission always. Listen for the sound of our rotors, for the thunder of our engines, and watch as we soar and touch the sky. अब मेरा दूसरा सवाल ग्रुप कमांडर सर से है. सर, आपके मद्रास ए में एनसीसी की कितनी यूनिट्स हैं और इनके स्प्रेड आउट्स को आप कैसे संचालन उसका करते हैं? हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर, जैसे आपको मालूम है कि तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड डायरेक्टरेट के अंडर काम करता है, और हमारे ग्रुप के अंडर टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से आइलैंड्स की नेवल यूनिट और इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री कंपनी भी हमारे ग्रुप का हिस्सा है. और आज के समय में हमारा इनके साथ कॉन्टैक्ट डिजिटल फोरम पे है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आपस में जुड़े हुए हैं. रेगुलरली हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं. जो यूनिट की डे टू डे ट्रेनिंग है, वो जिम्मेवारी यूनिट के कमांडिंग अफसर की होती है, जो कि दोनों कमांडिंग अफसर यहाँ जो हमसे दूर बैठे हैं बखूबी निभा रहे हैं. हमारा काम, ग्रुप हेडक्वार्टर का काम होता है कि समय समय पर इस ट्रेनिंग को इवेल्युएट करना और इसमें कोई चेंजेज, कोई अपडेट्स करने हैं तो वो करना. उसके लिए हम, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू समय समय पर हमारे स्टाफ अफसर्स, जो कि ट्रेनिंग अफसर और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स हैं, वो भी यूनिटों को विजिट करते रहते हैं. मैं भी यूनिटों को विजिट करता रहता हूँ, और उसी तरीके से हम इनकी ट्रेनिंग को इवेल्युएट और सुचारू रूप से चलाते हैं. बहुत खूब सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने. और मेरा अगला सवाल कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन त्रिवेदी से है. सर, हमारे जो एनसीसी यूनिट्स हैं, ये इनसे अटैच कितने इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके एनसीसी कैडेट्स के ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए. ये नेवल यूनिट एंड आर्मी यूनिट, ये हमारे जो एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर स्प्रेड आउट फ्रॉम डिगलीपुर टू कैम्बल बे. डिगलीपुर से कैम्बल बे तक टोटली स्प्रेड आउट है. एंड से मैं अभी नेवल यूनिट के इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँगा. मायाबंदर में है MGGC कॉलेज, देन वी हैव GSS स्कूल मायाबंदर, देन GSS स्कूल साबरी रंगत, GNRM साउथ पॉइंट पोर्ट ब्लेयर, जो अपना पोर्ट ब्लेयर में है कॉलेज, एंड देन GSS स्कूल विम्बरलीगंज पोर्ट ब्लेयर, GSS स्कूल लाइन पोर्ट ब्लेयर, GSS स्कूल प्रथरापुर पोर्ट ब्लेयर.
सो पोर्ट ब्लेयर में हमारे ज़्यादातर हैं, एंड देन GTMS स्कूल हैडो पोर्ट ब्लेयर, देन GSS स्कूल जंगली घाट पोर्ट ब्लेयर, GBSS स्कूल मिडिल पॉइंट पोर्ट ब्लेयर, देन GMSS स्कूल अबड़िन बाजार पोर्ट ब्लेयर, GSS स्कूल लिटिल एंडमैन में एक है, GSS स्कूल आरकेपुर, और एक है लपाती में GSS स्कूल जो कि कार निकोबार में. एंड जनरली हमारे जो हम ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग इज ब्रॉडली सब डिवाइडेड इनटू सर्विस सब्जेक्ट्स, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. इनका जो कैडेट्स का सिलेबस होता है वो डिवाइडेड होता है, और उसमें नाउ सर्विस सब्जेक्ट्स में कुछ होते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स, कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट्स. तो कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस हो गया, ड्रिल परेड, वेपन ट्रेनिंग, सोशल सर्विसेज, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एडवेंचर एक्सेट्रा, देन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, ये सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स सभी कैडेट्स अंडरगो करते हैं. नेवी के जो सर्विस सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम सिखाते हैं सीमेनशिप, जो बेसिकली जब कैडेट अगर शिप पे जाएंगे तो क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, मेनली सीमेनशिप, रोप वर्क एंड ऑल, स्विमिंग, टेंट पिचिंग, नेविगेशन ऑफ शिप्स, चार्ट वर्क वगैरह सिखाते हैं, एंकरिंग सिखाते हैं, बोट मॉडलिंग, शिप मॉडलिंग, देन फायर फाइटिंग एंड डैमेज कंट्रोल शिप्स में कैसे होता है वो हम सिखाते हैं. सो जब बेसिक ट्रेनिंग जो उनको समझना चाहिए वो सब कुछ हम सिखा के उनको रेडी करते हैं, तो जो हमारे सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ डायरेक्टली अपेयरिंग फॉर एग्जाम इन द नेवी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी सर. मेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विवेकानंद से भी सेम सवाल है. आर्मी जो NCC है वो कोई किन इंस्टीट्यूशन से अटैच, और ट्रेनिंग आपकी तो अलग ही होगी नेवी से, प्लीज़. ये एक्चुअली सबसे चैलेंजिंग प्लेस और रिमोट प्लेसेस में फैला हुआ है. हम नॉर्थ पॉइंट ऑफ द आइलैंड से लेके सदर्न पॉइंट तक आइलैंड तक हमारा स्कूल फैला हुआ है. जैसे हमारे पास एक बिगलीपुर में एक है, पंचवटी में एक स्कूल है, रंगत में एक स्कूल है, और हमारा बकुंतला में एक स्कूल है, कालीघाट में एक स्कूल है, कालीघाट में एक स्कूल है. इसके अलावा हम नीचे सबसे बोलते हैं कैंबल में एक स्कूल है. इसके अलावा हमारे सारे स्कूल्स यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जो है वो पूरा फैला हुआ है. तो और इसमें टोटल मेरा स्ट्रेच होता है 860 किलोमीटर स्ट्रेच होता है इसमें हमारा, पता है आपको, बाद में इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी आपको कितना मुश्किलें आएंगी इसमें. और सब्जेक्ट वाइज तो आप जैसे बता रहे हैं सेम ही होगा इसमें. जैसे पहले जो होता है जो कॉमन सब्जेक्ट जैसे सर ने बताया वो पूरा सब्जेक्ट आप कॉमन सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, बट एयर विंग वालों को जैसे होता है इनके एक स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इनकी एयरमैनशिप, एरो मॉडलिंग, और जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों को टच करता हूँ. जैसे आर्मी वाले भी होते हैं इनके पास जो आर्मी NCC में हमको मैप रीडिंग, टेंट पिचिंग, और बैटल एंड फील्ड क्राफ्ट एंड जजिंग डिस्टेंस, ये 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 जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं. और एयरमैन इसमें लिए एयरफोर्स NCC में उनको एरो मॉडलिंग और एरोडायनामिक्स के बारे में और एयरमैनशिप के बारे में सब कुछ इनको जानकारी दिया जाता है. इसके एडवांटेज क्या होता है, अगर इनको अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर जो इसे पास कर किया जाता है आर्म फोर्स में जब भी होता है इनके एक तो एग्जाम हो जाता है, और ये डायरेक्टली इनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ता है, तो ये एडवांटेज है. बहुत खूब सर. आपकी यूनिट से अटैच एयरफोर्स विंग भी मेरे ख्याल से है. हमारे मेरे पास एक ट्रूप है, दो स्कूल में बांटा हुआ है 50-50 करके, एक बातू बस्ती में और एक दूसरे गरचरमा में. बहुत अच्छा. अब मैं ग्रुप कमांडर सर से पूछूंगा. सर हमने सुना है कि NCC डिजास्टर मैनेजमेंट में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करती है, इसके बारे में कोई जानकारी देंगे? आपने बिल्कुल सही कहा. जिस प्रकार हमारी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसमें कि BSF, CRPF, CISF ये सब शामिल हैं, NDRF ये सब शामिल हैं, जिस प्रकार से वो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय पर हमारे देश में पब्लिक को मदद करते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करते हैं, उसी प्रकार NCC के कैडेट्स को भी हम इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि ताकि इस तरह की कोई भी आपदा आने पर वो हमारी पब्लिक और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को मदद कर सकें. जैसा कि अभी आप जानते हैं पिछले 2 साल से पूरा संसार कोविड नाम की महामारी से जूझ रहा है. कोविड पेंडेमिक के दौरान हमारे NCC कैडेट्स ने
एक्साइज योगदान के थ्रू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस महामारी के दौरान इस हमारे अंडमान निकोबार की जो यूनिट्स हैं इनके कैडेट्स लगभग 60 कैडेट्स वॉलंटियर होकर एक्साइज योगदान में उन्होंने हिस्सा दिया, जो कि एक बहुत ही मेरे लिए और इस यूनिट के लिए बड़े गर्व की बात है। इसी तरह जैसे भी हमारा जो भी सी सर्टिफिकेट होल्डर कैडेट होता है वो इस काबिल होता है कि इस तरह की आपदाओं में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की और हमारी आम जनता की सहायता कर सके। बहुत खूब सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एनसीसी कैडेट्स कभी पीछे नहीं रहे। मुझे याद है सुनामी जब आई थी हमारे अंडमान निकोबार में, तो हमारे एनसीसी कैडेट्स ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के सेवाएं अपनी प्रदान की थी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कोविड में भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के बात की, बढ़ चढ़ के काम किया, ये सराहनीय है सर, थैंक यू। अब मेरा अगला क्वेश्चन कमांडिंग ऑफिसर त्रिवेदी से है कि सर ये हमारे एनसीसी कैडेट्स किन किन सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं? एक्चुअली एनसीसी का एक एम है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नाउ सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो कैडेट्स हैं, at the center they are using three hand seat which is used when the person is injured by one leg. Now the cadet is doing fire and lift which is used when the injured person is unconscious and lying on the first floor. There at the back you can see they are carrying casualty with the help of improvised method, that is with the help of blanket. Now the first aid team is going to carry casualty with the help of stretcher. Their aim is to carry casualty to the ambulance. सर अब मेरा आपसे सवाल है कि आर्मी एनसीसी में एनरोलमेंट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस या क्राइटेरिया क्या हैं, इन्हें किस प्रकार की सुविधाएं आप प्रदान करते हैं? इनकी जो है लेड डाउन स्टैंडर्ड्स है, जैसे ये लोग 8 स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, इनकी एज 13 ईयर से अंदर हो जाता है, इनको हम बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए तैयार कर देते हैं, सॉरी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए तैयार कर देते हैं, और ये लोग 8th और 9th तक इसको कंप्लीट करना पड़ता है। जनरली हम 10th वालों को टच नहीं करते क्योंकि उनका सिलेबस ज़्यादा हैवी रहता है। उसके बाद में जब ये लोग डिग्री में आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, इनको फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट किया जाता है। फर्स्ट ईयर में जो इनको सिर्फ कैंप नहीं किया जाता है, सिर्फ इनको सिर्फ ट्रेनिंग दिया जाता है। सेकेंड ईयर में इनको एक कैंप करना पड़ता है, तो सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में इनको दूसरा कैंप करना पड़ता है। जब सेकेंड ईयर में एक कैंप करना पड़ता है, वो लोग बी सर्टिफिकेट के लिए रद्द हो जाता है, दे आर एलिजिबल फॉर द बी सर्टिफिकेट। व्हेन दे कंप्लीट द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड वन कैंप, दे आर एलिजिबल फॉर सी सर्टिफिकेट। बहुत खूब, जैसा आपने बताया कि फर्स्ट ईयर सीनियर डिवीजन एनसीसी में कोई कैंप नहीं होता, फर्स्ट ईयर सेकेंड एंड थर्ड ईयर में कैंप उनको करने पड़ते हैं ताकि उनका सी सर्टिफिकेट के लिए वो तैयार हो जाए, एलिजिबिलिटी उनकी हो जाती है। बहुत खूब सर, कैडेट्स के लिए एक शेर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर तू यूं ना बैठ मुसाफिर, थक कर तू यूं ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरा अगला सवाल
ग्रुप कमांडर सर से है। सर, हमने सुना है कि एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में प्रपोजल चल रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? हाँ डॉक्टर सत्यम, जैसे आप जानते हैं कि हमारे कॉलेजेस में जो कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, और उनके क्रेडिट्स पॉइंट होते हैं, और वो क्रेडिट्स पॉइंट्स उसकी फाइनल सीजीपीए या जो फाइनल उसका एकेडमिक स्कोर होता है उसमें ऐड ऑन होते हैं। अभी तक एनसीसी एक तरह से ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे सिखाई जाती थी। अब प्रपोजल रखा गया है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी की तरफ से कि इसको क्रेडिट बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे शामिल किया जाए उनके सिलेबस में, करिकुलम में, ताकि जो फाइनल उनका सीजीपी है, एकेडमिक जो उनका सीजीपी है, उसमें इसके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं एनसीसी के वो भी शामिल हों, जिससे उसको एकेडमिक की तौर पे भी कुछ फ़ायदा हो कैडेट्स को। अभी तक कैडेट को सिर्फ एक सी सर्टिफिकेट मिलता था अपना फाइनल एनसीसी कंप्लीट करने पे, परंतु अब ये क्रेडिट बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट इसको बनाने पर उसको अकेडमिक में भी फायदा होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। मेरा अगला सवाल कैप्टन त्रिवेदी से, सर आप हमें एनसीसी वैकेंसीज स्कीम और एफएसएफएस के बारे में कुछ जानकारी दें। एफएसएफएस का मतलब है फुल्ली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जी। ये स्कीम ऐसी है जो कि आउट ऑफ टर्न वैकेंसीज अलॉट होती हैं। इसमें कैडेट को जितना भी खर्चा होता है ट्रेनिंग का, यूनिफॉर्म का, वो उठाना पड़ता है। एंड दीज आर आउट ऑफ टर्न वैकेंसीज, ये नॉर्मल वैकेंसीज नहीं है, आउट ऑफ टर्न वैकेंसीज गवर्नमेंट ने अलॉट की हैं जो इंस्टीट्यूट को दी जा सकती है। एंड हमारे आइलैंड से आपको जान के खुशी होगी कि दो स्कूल्स ने ऑलरेडी इसके लिए वॉलंटियर किया है, दैट इज नेवी चिल्ड्रन स्कूल एंड केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। मैं आपके माध्यम से इन आइलैंड्स के सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बोलना चाहूँगा कि आप सब इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आर्मी या नेवल यूनिट कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये ग्रुप कमांडर के लेवल पे ही अप्रूवल मिल जाता है और हम आपको वैकेंसी स्ट्रेट अवे अलॉट कर सकते हैं। जो आप एलिजिबिलिटी कंडीशन लाइक जैसे 500 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड छोटी मोटी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सो मोर एंड मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सामने आएँ और इसका लाभ उठाएं। मुझे आशा है कि ये आपका संदेश दर्शकों तक पहुंच गया होगा। तो मेरा अब अगला सवाल कमांडिंग ऑफिसर विवेकानंद सर से है। तो सर, आपके से आपकी एनसीसी जो जिन स्कूलों और कॉलेजेस से अटैच्ड है तो उनके एनरोलमेंट में को लेकर क्या रिस्पॉन्स है उनका? तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब था हमारा पिछले साल क्योंकि COVID-19 वजह से। मैं इसके लिए पहले बात थैंक्स करना चाहता हूँ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का और डायरेक्टर एजुकेशन के लिए क्योंकि और सारे प्रिंसिपल को, बिकॉज इन लोगों ने बहुत ही अहमियत रोल प्ले किया इसमें। इन लोगों ने अपने अपने रिमोट, स्पेशली रिमोट एरिया में जो है दिगलीपुर कालीघाट रंगत में जो बच्चे को इनको ऑनलाइन ला के, इनको एनरोलमेंट करा के, इनका फॉर्म जमा करके ये लाना बहुत ही एक हेरकुलन टास्क था। तो फिर भी ये COVID-19 को तो हमने मद्देनजर रखते हुए सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सारे हमारा पिछले बार 100% एनरोलमेंट हुआ था एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल इन एनरोलमेंट ऑफ दिस थिंग्स एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल द स्टाफ एंड ऑल द प्रिंसिपल एंड ऑल द ENOs एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत खूब सर, एनरोलमेंट आपका सक्सेसफुल रहा, इसकी आपको बधाई हो। मैं अब ग्रुप कमांडर सर से जानना चाहूँगा, सर एनसीसी ट्रेनिंग में कैंप एक बहुत अहम भूमिका निभाती है तो इम्पॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। आपने सही कहा, जो कैंप है वो एक एनसीसी ट्रेनिंग का एक मुख्य हिस्सा है और अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए कुछ कैंप कंपलसरी हैं। जैसे कि उसको बी सर्टिफिकेट के लिए कुछ कैंप करने पड़ेंगे, कुछ सी सर्टिफिकेट के लिए कुछ कैंप जरूरी हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए इन सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए। उसके अलावा जो हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं कैडेट्स के लिए उसमें है थल सैनिक कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, वायुसैनिक कैंप, नौसैनिक कैंप जो कि वायुसैनिक कैंप एयर विंग के लिए, नौसैनिक कैंप नेवल विंग के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जिसमें कि SNIC पोर्ट ब्लेयर वो पूरे देश के कैडेट्स में काफ़ी लोकप्रिय है। उसके अलावा माउंटेनियरिंग कैंप्स हैं, पैराशूट जंपिंग कैंप्स हैं, रिपब्लिक डे कैंप
जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कैंप जिसको हम बोलते हैं वो उस तरह का कैंप है। रिपब्लिक डे कैंप में जिसमें कैडेट जाते हैं तो उनको बहुत ही सख्त सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और रिपब्लिक डे कैंप के दौरान पूरे देश से सभी डायरेक्टरेट से कैडेट्स वहाँ पे कंटिजेंट आते हैं और उनकी आपस में एक कंपटीशन होती है, अलग अलग तरह की कंपटीशंस होती हैं जिसमें कि उनका मार्चिंग का कंपटीशन है, उनका गार्ड ऑफ ऑनर का कंपटीशन है, और भी काफ़ी तरह की कंपटीशन है जिसमें कल्चरल इवेंट जिसमें कि वो अपना कल्चरल अपने स्टेट का कल्चरल इवेंट्स प्रस्तुत करते हैं उसका कंपटीशन है। ये सारी कंपटीशन होती हैं उस कैंप के दौरान और फाइनल पीएम परेड के साथ इस कैंप का समापन होता है। The NCC Senior Division Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Rajinder Brala of 3 Haryana NCC Battalion. This is the NCC Boys Band, led by Bandmaster Cadet Under Officer Yash Jain. The combined band of Sainik School Kapurthala and the combined brass band comprises 90 cadets from Sindhya School, Gwalior and Sainik School, Ghorakhal. The band is playing the tune Kadam Kadam Badhai Ja. Contingent Commander Junior Under Officer Charan Deep Singh Bhaduria is leading the NCC Boys Marching Contingent. 159 young and smart senior division cadets. These are cadets from all the 17 directorates of NCC. The NCC is one of the largest youth organizations in the world. The cadets excel in humanitarian aid and sports and adventure activities. This a familiar sight on Rajpath on Republic Day. The Birla Balika Vidyapeeth Pirani, led by Senior Under Officer Charu Surana. The school has earned its unique distinction by its continuous participation in the Republic Day Parade for 56 consecutive years. They are playing the tune Sare Jahan Se Acha. एनसीसी की छात्राओं के बैंड के बाद एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता। इस दस्ते का नेतृत्व एनसीसी निदेशालय कर्नाटक तथा गोवा की सीनियर अंडर ऑफिसर श्रीष्मा हेगड़े कर रही हैं। इस दस्ते में शामिल कैडेटों को देश के सभी 17 एनसीसी निदेशालय से चुना गया है। ये कैडेट्स न केवल पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे रोमांचक अभियानों में भाग लेते हैं बल्कि कई लोक उपकार। दर्शकों, अभी ग्रुप कमांडर साहब ने बड़े विस्तार से आपको कैंप और कैंप के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, किस तरह के कैंप्स लगते हैं, लोकल कैंप्स और नेशनल लेवल के कैंप्स। अब मेरा सवाल कमांडिंग ऑफिसर त्रिवेदी सर से है कि सर, ये हमारे लोकल कैंप्स में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। हम लोग दो प्रकार के कैंप यहाँ पे होते हैं पोर्ट ब्लेयर में। वन इज एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो हम सारे एनसीसी कैडेट्स के लिए कंडक्ट करते हैं। वार्षिक होता है एनुअल ट्रेनिंग कैंप। एंड सेकेंड वन इज स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जो कि देश में 5 जगह होता है जिसमें पोर्ट ब्लेयर भी एक जगह है। एनुअल ट्रेनिंग कैंप हमारे सभी कैडेट्स के लिए होता है, दैट इज द लोकली हियर, वहाँ पे बाहर से कोई कैडेट्स नहीं आते हैं। एंड हम कवर करते हैं सारे सर्विस सब्जेक्ट्स एंड कॉमन सब्जेक्ट्स, जो अभी हमने लिस्ट बताई थी, थिंग लाइक फायरिंग, मैप रीडिंग, डिस्टेंस जजमेंट एट्सेट्रा, द आर्मी साइड, पुलिंग, सेलिंग एंड उसमें चार्ट वर्क, एंकरिंग वगैरह हम सिखाते हैं उनको। हम टैक्टिक्स भी सिखाते हैं, नेवल टैक्टिक्स, वॉर टैक्टिक्स, बैटल टैक्टिक्स। देन अदर देन ATC, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में
इस देश के सभी स्टेट्स के कैडेट्स आते हैं जो पोर्ट ब्लेयर में इकट्ठे होते हैं. फिर यहाँ से हम अदर देन द सर्विस सब्जेक्ट, स्टैंड पिचिंग वगैरह सब कुछ सिखा के, उसके अलावा हम उनको थोड़ा अंडमान निकोबार के कुछ प्लेसेस में उनको लेके जाते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे अंडमान निकोबार के जो जो भी नेचुरल ब्यूटी है वो भी दिखाते हैं. देन आफ्टर दैट हमारे कैंप में मेनली ध्यान दिया जाता है उनके डिसिप्लिन का और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन का. तो एक छोटा सा झलक हम आपको लोकल कैंप का दिखाना चाहेंगे. अभी ग्रुप कमांडर सर ने और कमांडिंग ऑफिसर त्रिवेदी सर ने बड़े विस्तार से कैंप्स के बारे में बताया. मेरा अगला सवाल कमांडिंग ऑफिसर विवेकानंद से है. सर क्या हमारे बच्चे मेलैंड में जो आरडी कैंप यानी रिपब्लिक डे कैंप जो होता है उसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं? आप रिकॉर्ड से देखे पड़ेगा आपको, हमारा बच्चे हमेशा जाते रहे हैं और पिछले 2019 में 4 बच्चे हमारा आर्मी एनसीसी है से और 4 बच्चे नेवी एनसीसी भी गए हुए, और ऐसे पहले पूरा अपने अपने हिसाब से इनका चलता रहा ये कार्रवाई. मगर ये कोविड-19 की वजह से पिछले बार हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया था आरडी परेड में, तो इसका स्ट्रेंथ बिल्कुल कम किया गया था और यहाँ से ऐसे इंटरलैंड और आइलैंड से मूवमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए पिछले बार साल हमारा बच्चे नहीं गए. मगर हमारा एक प्रपोजल ऑलरेडी हमने फॉरवर्ड कर चुका है ताकि हम यहाँ पे ही अपने बच्चे को सिलेक्ट करके, ताकि दूसरा एक सिलेक्शन कैंप जो सीरीज सिलेक्शन कैंप होता है वहाँ पे वो न जाने का, हम ही लोग मतलब आर्मी सीओ आर्मी एंड सीओ नेवल वाले हम बच्चों को सिलेक्ट करके फाइनल लॉन्च कैंप के लिए यहाँ से मेनलैंड भेजने का प्रपोजल हमने भेजा है ताकि हमारा बच्चे पार्टिसिपेट करे आरडीसी परेड में. ये तो बहुत अच्छा मूव है सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि हमारे द्वीप समूह के एनसीसी के कैडेट्स भी अब आरडी परेड में जा सकेंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स उनके रास्ते में नहीं आएंगे. तो सर मेरा सवाल अब ग्रुप कमांडर सर से, सर इस कोविड-19 महामारी में
रक्षा मंत्री ने डीजी एनसीसी ऐप लॉन्च किया था, तो इसके इससे हमारे एनसीसी कैडेट्स को कोई बेनिफिट हुआ है? हाँ डॉक्टर सत्यम, जैसे आप जानते हैं COVID-19 की वजह से हम फिजिकल ट्रेनिंग और कैडेट्स को एक जगह इकट्ठा करके ट्रेनिंग नहीं करवा पा रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए DGNCC ट्रेनिंग ऐप लॉन्च की गई थी, जो कि जिसमें हर तरह का उनका सिलेबस, उनके वीडियोस, हर चीज़ उसमें दी गई है। और इस वर्ष DGNCC ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च की गई है, जिसमें कि 1.0 में क्या था कि सभी वीडियो एक ही भाषा में थे, इंग्लिश में, और अभी उनको बायलिंगुअल कर दिया गया है, वो दोनों भाषा में है। और कैडेट कैंप या अपना यूनिट में आके ट्रेनिंग अटेंड किए बिना भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रख सकता है, और उसी का नतीजा है जो मैंने आज कैडेट्स का देखा है कि कैडेट्स का ट्रेनिंग का दर्जा काफ़ी ऊंचा है। बहुत अच्छा सर, आपने बच्चों का बहुत हौसला बढ़ाया है। मेरा अगला सवाल कैप्टन त्रिवेदी से है। सर, हमने सिमुलेटर के बारे में सुना था, तो आपने सुना है कि एनसीसी ट्रेनिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ सिमुलेटर्स को प्रपोज किया है, तो इसके बारे में जानकारी दें। जी बहुत पहले से हमने इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो कैडेट्स हैं वो पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्प्रेड आउट हैं, उनको फायरिंग करने का मौका नहीं मिलता है, और अगर वो पोर्ट ब्लेयर आ भी पाते हैं, फायरिंग रेंजेस हर एक आइलैंड में है नहीं, तो फायरिंग रेंज अगर वो पोर्ट ब्लेयर आते भी हैं तो उस टाइम फायरिंग रेंज का एलोकेशन नहीं होता है, सो दे डोंट गेट अ चांस। तो हम चाहते थे कि फायरिंग सिमुलेटर हमारे यहाँ आए, और हमने बहुत ही स्ट्रांगली इसको प्रपोज किया है, विथ थैंक्स टू ग्रुप कमांडर, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है और हमारा प्रपोजल गया है हाईएस्ट, एंड प्रोबेबली इन अनदर कपल ऑफ मंथ्स हमारे पास फायरिंग सिमुलेटर आना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कैडेट कहीं से भी हमारे पास आएगा, यू नो आई एम टॉकिंग ऑफ आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स कैडेट्स, कोई भी हमारे पास आएगा उस पर हम फायरिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं, जितनी मर्जी टाइम करना चाहें उसको हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, एंड देन लाइव फायरिंग जब भी मौका मिलेगा लाइव फायरिंग के लिए उसको ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा सिमुलेटर जो हमारे पास हमने जो कि स्ट्रांगली प्रपोज किया है, दिस इज नेवल ओरिएंटेड, इज रोइंग सिमुलेटर, जो कि प्रोक्योर हो रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे एंड सभी नेवल यूनिट्स को दिए जा रहे हैं। वो रोइंग सिमुलेटर जब आएगा तो हमारे कैडेट्स किसी ना किसी प्रकार से नहीं कर पाते हैं रोइंग, बोट्स सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में है हमारे पास, बाकी आइलैंड्स में वो बोट्स नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कोविड के कारण वैसे ही हमारा डिसरप्ट हो गया ट्रेनिंग। थर्डली अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको रोकती है इस वाटरमैनशिप ट्रेनिंग से इज से क्रोकोडाइल वगैरह साइट हो जाते हैं एंड देन इट बिकम्स अनसेफ। सो रोइंग सिमुलेटर एक ऐसा वो होगा जो कि सिमुलेटर होगा जिससे कैडेट कभी भी जितना मर्जी टाइम उसको हम रोइंग प्रैक्टिस करा सकते हैं, और जब भी हम कैंप्स में जाते हैं, इंटर यूनिट कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो हम लोग उन रोइंग कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे जहाँ हमारे कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, सो दे विल गेट अ चांस टू प्रैक्टिस वेल एंड कम। सो दीज आर द टू सिमुलेटर्स जो हमें शॉर्टली मिलने चाहिए। तो दर्शकों, ये आसान शब्दों में कैप्टन त्रिवेदी ये बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ फायरिंग का अभाव हो हमारे स्प्रेड आउट आइलैंड्स में, वो बच्चे सिमुलेटर में कम से कम आकर के एकदम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरह ट्रेनिंग उसमें ले सकते हैं। उसी तरह से रोइंग भी, जैसे सर ने बताया कि हमारे समुद्र में क्रोकोडाइल का आजकल थोड़ा आतंक है, तो उसको हम रोइंग सिमुलेटर में एज रोइंग जैसे समुद्र में कर रहे हैं उस तरह वो इसका एक्सपीरियंस, इसका लाभ उठा पाएंगे। तो मेरा अगला सवाल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विवेकानंद सर से है कि सर, हमारे एनसीसी कैडेट्स जो यहाँ के हैं और जो मेनलैंड के हैं, तो इनके बीच में कंपैरिजन अगर हम करें तो आपको क्या क्या चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट्स या शॉर्टकमिंग्स आपको दिखाई देती है सर? हाँ, बेसिकली आप पहले हम इसके ऊपर सोचना चाहिए, इनके स्ट्रेच के ऊपर। पहले जो हमारा स्कूल्स है वो बहुत स्ट्रेच्ड है, स्पेशली इट इज़ फ्रॉम 860 किलोमीटर स्ट्रेच है हमारा स्कूल्स, और जो बच्चे यहाँ के हैं दे आर वेरी हाई कैलिबर बच्चे हैं, एंड उनको हम ट्रेन करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली हमको थोड़ा तकलीफ होता है जब रिमोट आइलैंड्स है और रिमोट प्लेसेस है, जैसे ट्राइबल प्लेसेस है, जैसे दिगलीपुर हो गया, कालीघाट हुआ, रंगत हुआ, यहाँ से हमने मतलब स्टाफ जाके वहाँ पे रह के पूरा इनको ट्रेनिंग करके आने में बहुत दिक्कतें हैं, फिर भी हम चैलेंजेस इसको ऐसे एक्सेप्ट करके, इज़ अ मैसिव चैलेंज, तो हम इसको एक्सेप्ट करके इसको पूरी कर रहे हैं। कंपेयर टू दी मेनलैंड एंड दी आइलैंडर कैडेट्स,
मैंने पिछले यूनिट पिछले भी यूनिट था मेरे पास 1200 बच्चे थे इसमें जेडी और जेडब्ल्यू और सीनियर फिंगर्स यूनिट डिवीजन में। यहाँ पे मैं देखा है एसटी एसडब्ल्यू का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है एंड इनकी भाषा बोलने का भाषा मतलब ये लोग अंग्रेजी भी समझते हैं हिंदी भी समझते हैं। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अगर इफ़ आई कैन स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश दे नॉट एबल टू कैच इट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हियर इट इज़ वेरी ईजी टू कन्वर्स विद देम एंड टीच द सब्जेक्ट वे एंड दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड देम अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड दे आर वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड हियर एंड दे आर द रिस्पॉन्स इज वेरी टू गुड फ्रॉम माई साइड। बहुत खूब सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। एक रोचक बात हमें पता चली कि हमारे यहाँ द्वीप समूह के बच्चों का लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो दर्शकों, अब प्रोग्राम लगभग समाप्त होने को आया है तो मैं कुछ पंक्तियों से आपको बताना चाहूँगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो चलते चलते मैं अपने ग्रुप कमांडर सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे द्वीपवासियों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, एनसीसी कैडेट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर। मैं यहाँ के द्वीप समूह के सभी स्टूडेंट्स और युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो सब एनसीसी ज्वाइन करें। एनसीसी की जो ट्रेनिंग है आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ कंट्रोल जिस तरह की मॉरल वैल्यूज़ को सिखाती है और ये मॉरल वैल्यूज़ आपको आपके किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे आप सेना ज्वाइन करें या कोई और फील्ड में जाएं या हायर स्टडीज़ के लिए जाएं, आपको हर समय हर जगह ये मॉरल वैल्यूज़ काम आएंगी। और स्पेशली आप अगर यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उसमें जो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उनको लिए उसमें काफ़ी सीट्स रिजर्व होती हैं, काफ़ी रिलैक्सेशन, जैसे कि उनको रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सब अपना एनसीसी यहाँ के यूथ ज्वाइन करें। बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आशा है हमारे दर्शक, स्पेशली हमारे युवा पीढ़ी और एनसीसी कैडेट्स आपके इस मैसेज से बूस्ट अप होंगे। तो मैं पूरे द्वीप समूह की तरफ से, एनसीसी यूनिट्स की तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से आप तीनों मेरे शब्दों में लेजेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एंड वी विल फिनिश विद द एनसीसी सॉन्ग। I'm a champion.